गिरिडीह में महज 4 माह में एक नई नवेली सड़क बीच से ही दरक गई। विकास योजनाओं में गड़बड़ी का यह मामला नगर निगम क्षेत्र के बसनपुर से आया है। यहां 4 माह पहले ही बनी सड़क में दरार आ गई। सड़क में दरार आने के बाद लोगों ने जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के बिशनपुर से इनायत नगर तक इस सड़क का निर्माण हुआ है। बताया जाता है कि 1 करोड़ से अधिक की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य नवंबर 2020 में शुरू हुआ था। इस सड़क को जनवरी 2021 में पूर्ण कर लिया गया। इस बार जो बारिश हुई तो इस सड़क में दरारें आ गई है। सड़क पर दरार आने के बाद लोगों ने संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। इधर तालाब के पास कैसे फट गया? ये बरसात होने से, बारिश होने से, जोरदार बारिश होने से फट गया। कब लगा था ये काम? कब शुरू खत्म हुआ था? काम लगा है नवंबर में, 25 नवंबर से और 31 मार्च से पहले खत्म हो गया। मेन रोड से पचम्बर बिशनपुर मेन रोड से यहाँ तालाब के किनारे तक रोड कहाँ तक टूट गया? खराब हुआ काम तो फट गया। काम में पीच नहीं है, वही और क्या है, फट गया। देखते बैठ गया जाम। मार्च में हो फट कैसे गलो रोड के भरथिया कैसे फटे आया तो ये माटी हलो इसी वास्ते। मट्टी कहाँ कहाँ तक भरना है? मट्टी सोचे रोड में जो फट गया उसमें भी भरना है? हाँ उसको भी मैंने ग्रेसिंग कर देंगे। उसको बाद अरे अलकतरा देखने और पीचिंग कर देंगे। क्या नाम है आपका? खुर्शीद। इस मामले पर नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है, शिकायत पर जांच कराई जाएगी। देखिए बिशनपुर में जो रोड बना है अभी हमको संज्ञान में आया है और अभी हमने जेई से बात भी किया है। इस प्रकार की कोई भी अगर अनियमितता है ऐसे तो मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से हमको अभी दिखाई पड़ रहा है कि रोड बीच में फटा हुआ है। मैं स्वयं भी जाऊँगा और रोड को देखने के बाद जो भी कार्रवाई होगा वो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।